देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और कई जगहों पे गर्म हवाएं बह रही हैं। इसकी वजह से खासकर जो मज़दूर लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, उनको बहुत कठिनाई हो रही है और शरीर में पानी की कमी होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां और बाकी तरह की समस्याएं भी हमारे, खासकर हमारे मज़दूर फेस कर रहे हैं। इसको देखते हुए हमने TRLM के माध्यम से और बाकी जो हमारे नागरिक हैं उनके माध्यम से एक जन भागीदारी का शुरू किया है। हम लोगों ने न्यूज़पेपर और मीडिया में भी देखा है कि कई हमारे अपने नागरिक, जागरूक नागरिक भी इन राह चलते हुए की मदद करने के लिए आ रहे हैं। तो उसी के अनुसार हमने भी अपने ऑफिस की तरफ से, अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये एक नया इनिशिएटिव लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह के इनिशिएटिव आम नागरिक भी लेंगे, इंस्टीट्यूशंस भी लेंगे, ताकि आने वाले एक दो महीने जब तक ये भीषण गर्मी पड़ती है, खासकर मज़दूरों, रिक्शा चालक और आम जो कम्यूटर्स हैं उनको रास्ते में कुछ रिलीफ मिले, पीने का पानी मिले और वो स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ ये हमने इनिशिएटिव शुरू किया है। सर, आप तो वेस्टपुरा डिस्ट्रिक्ट का DM है, तो आपको वेस्टपुरा ज़िला में हर नागरिक के लिए क्या मैसेज रहेगा इस गर्म? देखिए, अभी जो जितना वो लोग अवॉइड कर सकें गर्मी का जो टाइम है, खासकर सुबह 11 बजे से लेके शाम 3 बजे तक का ये जो 4 घंटा बहुत तेज़ धूप आती है, इसको अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें, जब भी घर से निकलें तो पानी की बोतल साथ में लें। अगर उनको कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जैसे आंखों के सामने अंधेरा चाहता है, तो इमीडिएटली ग्लूकोन-डी अथवा ORS लें। और कोई भी बीमारी, किसी भी तरह की छोटी बड़ी, डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाएं। और साथ ही साथ छाते का इस्तेमाल करें, टोपी का इस्तेमाल करें या गमछा है उसका इस्तेमाल करें और डायरेक्ट धूप और सनलाइट में आना अवॉइड करें। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये मौसम कुछ इम्प्रूव होगा और हमारे लोगों को राहत मिलेगी।